सर ये मेरे कितने प्रॉपर्टी के पेपर हैं, ये फ्री होल्ड के पेपर हैं सर ये, और हम सर बहुत मजबूर हैं, बहुत परेशान हैं, मतलब तंग आ चुके हैं सर इसकी असी जन के उससे। और सर ये इसे मोटर्स में देखो, मेरा नाम भी सर राजेश जैन सर, ये राजेश जैन मेरा नाम है सर, ये राजेश जैन। और सर डीसीपी सर ने राहुल देव नाम है, मैं तो कह रहा हूँ सच में वो देवता आदमी है, उन्होंने कहते इसके ऊपर स्टे भी लगा दिया, उन्होंने देखा कि सिविल मैटर है, इस लड़के को बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है, तो मेरे इसको तो वो देवता आदमी लगते हैं। उन्होंने खुद ही कहा कि सिविल मैटर है, इसमें हमारी पुलिस इंटरफेयर इतना नहीं करेगी, ये कोर्ट का मैटर है, और आप मैं इसके ऊपर स्टेटस को देता हूँ, उन्होंने खुद ही बोला स्टेटस को वर्ड यूज़ किया कि स्टेटस को दे रहा हूँ इसको मैं, और कहते हैं सीधे बना के रखे और जो कोर्ट की डायरेक्शन होगी उस हिसाब से काम करेंगे, आज का दिन काम नहीं होगा यहाँ पर। लेकिन फिर भी रात को डेली आसीजन मुझे धमकी दे आता है, क्योंकि 8 तारीख को रात को 1:30 बजे मेरी दुकान तोड़ के गया है, तो अब मेरे दिल में बहुत डर रहता है, मेरे को डेली धमकी दे आता है कि सुबह दुकान मिलेगी नहीं, मैं बहुत डर जाता हूँ, इसलिए रात को रोड पे सोता हूँ वहाँ पर सामने के, क्योंकि मेरी दुकान को तोड़ ना जाए। लेकिन मैं रात को रोड पे होता, मेरे को डर हमेशा लगा रहता है कि रात को कोई मेरी हत्या ना कर जाए और मेरा कोई हादसा ना हो जाए। डीसीपी सर को मैंने एक बार कहते फ़ोन किया था, और मैं फ़ोन पे रोया था, तो उनको मेरी उस पर तरस आ गया, तो उन्होंने बोला मैं थाने ही आ रहा हूँ, 10 तारीख की बात है ये कि मैं थाने ही आ रहा हूँ। उन्होंने मेरा किस्सा सुना, उन्होंने बोला कि सिविल मैटर है ये, और कहते हम कहते पुलिस भी इतना इंटरफेयर नहीं करेगी, लेकिन मैं स्टेटस को लगा रहा हूँ कि आप इस लड़के को इतना नजायज तंग ना करें। राजधानी दिल्ली में दबंगों और पैसे वालों का लोगों पर अत्याचार चरम पे दिखाई दे रहा है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा ही मामला ओखला औद्योगिक क्षेत्र के फेज 2 से सामने आया है कि ओखला फेज क्षेत्र 2 में स्थित 48/3 की 600 गज जमीन में 8 शेयर होल्डर हैं, उसमें से राजेश जैन 8वें शेयर होल्डर हैं। उपरोक्त जमीन पर राजेश जैन की वर्षों पुरानी दुकान और घर बना हुआ है, जिनमें उनका परिवार भी रहता है। राजेश जैन का कहना है कि जमीन पर उनका भी कब्जा है। बीते दिनों उनकी सहमति बिना सभी 7 शेयर होल्डरों ने आशीष जैन नामक किसी कारोबारी को कीमत से भी आधे दाम पर यह जमीन बेच दी, जो कि बिना राजेश जैन के बताए किया गया। बीते शुक्रवार को देर रात को आशीष जैन ने जेसीबी से उसका मकान और दुकान को तोड़ दिया। पुलिस को सूचित करने पर पुलिस टीम थाना SHO सहित पहुंची। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि जमीन उनके अलावा सभी ने बेची होंगी, लेकिन मैंने नहीं बेची है। फिर भी जमीन खरीदने वाले आशीष जैन जबरन मेरी दुकान और घर को तोड़ रहा है, परंतु पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की। बता दें कि शिकायतकर्ता राजेश जैन ने बताया कि यह जमीन 8 शेयर होल्डर के अधीन है। सभी 7 शेयर होल्डरों ने यह जमीन आशीष जैन को मार्केट रेट से आधी कीमत पर बेची है, लेकिन राजेश जैन अपना हिस्सा नहीं बेचा। राजेश ने जब आशीष जैन से इसी बात पर बात की तो उन्होंने कहा कि मैंने 600 गज और पूरी जमीन खरीदने और फ्री होल्ड के साथ रजिस्ट्री भी करवा चुका हूं। राजेश ने उनको कहा कि इस जमीन का मामला माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। सर मेरा नाम राजेश जैन है, ये 600 गज का प्लाट था मेरे नाना का, मेरे नाना अपने बच्चों को देके गए, 5 बेटी और 1 बेटा था, मेरे नाना का। मेरे हिस्से में 50 गज की जगह आई है, बाकी जो मौसियाँ थी और मामा थे उनके हिस्से में 51.67 जगह आई है। ये प्लॉट अनडिवाइडेड है, ये बेचेंगे तो सारे इकट्ठे बेचेंगे, वरना ये प्लॉट बेचा नहीं जा सकता। तो पता नहीं किस कानून के तहत उन्होंने 91.67 हिस्सा सामने आशीष जैन को भेज दिया, जो इलीगल है वो, बिना डिमार्केशन के। ये नहीं पता कि किसको 50 गज किसका है और 58% किसका कहाँ पर है, जब ये पता ही नहीं तो उससे बगैर प्लाट बिक ही नहीं सकता। अब ये पता है किस हिसाब से रजिस्ट्रा ने इसकी रजिस्ट्री कर दी है और उसको सेल डेट्स की कर दिया है। मैंने इसको अभी तक नहीं बेचा, मैंने साफ बोल दिया कि मैं अपनी जगह नहीं बेचूंगा, लेकिन वो मुझे धमकी देता है। और सामने आप देखेंगे ये 8 तारीख को रात के 12-15 बजे JCB ला के आधी दुकान ध्वस्त कर दी है, आधी रह गई है, और डेली मुझे धमकी दे जाता है कि रात को दुकान मिलेगी। मैं बहुत डर जाता हूँ कि दूध का जला छाछ को फूक के पीता है, मैं इतना डर जाता हूँ, रात को दुकान पर रोड पर सोता हूँ। और सर मेरे साथ कभी मिसअप नहीं होती, रात को आके मैं अकेला होता हूँ, मुझे मार जाए, मेरा गला काट जाए, कभी मेरे साथ मिसअप नहीं हो सकती। मैं बहुत ज्यादा बना हुआ था या ये तोड़ा गया? ये प्लॉट बना हुआ था सर, ये 2 मंजिल बना हुआ था सर, बेसमेंट विद 2 मंजिल बना हुआ था, और कहते इसने इस पूरे प्लॉट को ध्वस्त किया है, और ये जो बेसमेंट खोदी जा रही है बिना MCD के परमिशन के नहीं खोदी जा सकती, बिना MCD के परमिशन के ये प्लॉट करने वाले कौन लोग हैं? आशीष जैन है जी, सामने E47/2 है, उन्होंने इसको ध्वस्त किया जी पूरा। आशीष जैन के यहाँ और भी प्लॉट है? आशीष जैन की एक सामने फैक्ट्री है, E47/2।
इसमें उसकी फैक्ट्री है। अच्छा आप ये बताइए कि ये प्लॉट आपके नाना जी का था? हाँ जी। तो यानी उसमें आपकी मदर का हिस्सा रहा? हाँ, है। हाँ जी, हाँ जी, उनके थ्रू हमें मिला जी। आपकी मदर के थ्रू? आप कितने भाई हैं? हम तीन भाई हैं, दो बहन हैं। तो उस हिस्से में आपकी मदर के हिस्से में आप तीन भाई और दो बहन का हिस्सा चला जाएगा? हाँ जी, हाँ जी। आपका हिस्सा ही तो बचेगा? नहीं सर, अब वो कहते हैं सब भाई बहनों ने मेरे नाम पे लिंक जॉइन कर दिया जी। मेरे भाई बहनों ने नहीं सर, मेरे भाई बहनों ने तो मेरे को लिंक जॉइन दे दिया, मुझे हेड बना दिया है। अच्छा। वो मेरे मौसी और मामा के लड़के उन्होंने बेची है जनाब, नाना के थ्रू ना। लड़कों ने अपने अपने हिस्से की जगह बेची है? हाँ जी। आपके हिस्से की बेची है? नहीं, मेरे हिस्से की नहीं बेची है, मेरे हिस्से अभी। आपको क्या परेशानी? परेशानी सर ये है, वो कहता है कि वो तो खरीद लिया है, ये तो तेरे भी साइन जबरदस्ती करा लूंगा और ये दुकान तेरी सब तोड़ दूंगा। ये और अभी तक जबरदस्ती करा लूंगा कर लेने में फर्क है, आपने क्या साइन कर दी है? सर मैंने साइन नहीं किया सर, वो दुकान रात के 1:30 बजे पूरी थी, मैं इसको दिखा दूंगा इसके विजुअल आपको, ये पूरी दुकान बनी हुई थी रात के 1:30 बजे जेसीबी लाके तोड़ दी गई सर। आपका है? हाँ जी, वो भी हमारा है और ये भी हमारा है, 50 साल 50 ईयर से बैठे हुए। किस चीज की आती है धमकी? इस चीज की आती है कि तेरे को जान से मार दूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा, और कहते इस दुकान के लिए डेली बोल जाता है, ये तो तोड़ ही दिया उसने, और प्रशासन ने कहते पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी है। ये सर ये टी शॉप अपने गुजारे के लिए, टी शॉप की दुकान है सर ये, यह रहते जी, पीछे रहते जी। तो आप यहीं पे लगातार रह रहे हैं जब से आपके हिस्से को दिया गया है? आप 50 साल से रह रहे हैं सर हम? तो 50 साल से मैं तो खुद कह रहा हूँ, जो मेरे को 50 गज जगह मिली है कोर्ट के थ्रू डिमार्केशन करवा के, मुझे 50 गज बता दो, मेरी क्या मैं वहाँ सीमित हो जाऊंगा? ये तो मेरे 50 साल से मैं रह रहा हूँ सर यहाँ पर मैं। आप 50 साल से रह रहे हैं? अब जो कहते हैं मेरे को टोटल कुल कितने पार्ट होने चाहिए इस जगह पे जो आप 600 गज बता रहे हैं? 600 सर ये कहते मेरे को कल 50 गज से अपना डिमार्केशन हो जाए, मैं 50 गज का बता दीजिए, मैं 50 गज बांटा नहीं अभी तक, अभी डिमार्केशन नहीं हुआ, बिना डिमार्केशन के ये सेल ही नहीं हो सकती, पता किस आधार पे इसने सातों से कहते खरीद लिया है, वो इलीगल है एक हिसाब से, उसको कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। 8 लोग हैं इसमें खरीदने वाले? 8 लोग हैं आपके साथ? मैं 8वां हूँ, बाकी 7 वो कहते सामने 91 जगह इसको बेच चुके हैं। 7 लोगों ने बेच दी, आप नहीं बेचना चाहते? मैं नहीं बेचना चाहता जी, मैं जाऊंगा अपना, मेरा परिवार रहता है मेरा, यहाँ गुजारा यहाँ से होता है, ये फैक्ट्री कहते वो तो यहाँ काम करते नहीं थे, तो उन्होंने सोचा कि पैसे लेके यहाँ से बाहर हो जाए। हम घर पे थे, यहाँ पर हमारा लड़का था पीछे, तो वो लोग बता रहे हैं कि कहते 8-10 बाउंसर थे और जेसीबी ने इसको क्या नीचे उतर के यहाँ से पीछे तरफ डाल दिया गया। जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपको जिस तरीके से आपको जबरदस्ती किया गया, आपने पुलिस में कंप्लेंट की? पुलिस पे कंप्लेंट करती थी रात को, 100 नंबर पे कंप्लेंट थी। राकेश जी वाले आए? राकेश जी और मुकेश जी आए थे। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहते आशीष जैन को फोन भी किया ये भाई है, तूने कहा था मैंने नहीं करवाई, तो उन्होंने ये बोला कि तेरी परमिशन पर टूट जाएगी, किसी को क्या लालच है दुकान तोड़ने की रात के 1:30 बजे। तो उन्होंने बोला अभी आ जाइए, तो कह रहा मैं अभी नहीं आऊंगा, सुबह आऊंगा। अच्छा, तो सुबह सुबह आप गए थाने में? सुबह मैं थाने गया अपनी कंप्लेंट बनवा के, तो सीधा मतलब उसको आशीष जैन जी को कुछ नहीं बोला, सीधा कहते जैसे फिल्मों में देखते कि बदमाश सब कुछ तोड़ देता, गरीब आदमी तोड़ देता, सीधा थाने मेरे साथ वही हुआ, मेरे को बोला कि कहते इसको उठा के बंद करो इसको, मैंने कहा सर मकान मेरा तोड़ा है, है? मेरे को सर कहते राम क्या कहते रात के 11 बजे तो बिठा दिया लोकर के सामने टेबल पे, और जो एक दो सिपाही थे इसको अरेस्ट दिखाएंगे, इसको बंद करेंगे इसको, मैंने कर लो सर कहते देखा जाएगा सर कितना जुलम करेंगे आप। मुझे ये बताइए ये मकान आपके कहे अनुसार 2 मंजिला बना हुआ था? हाँ जी। तो 2 मंजिला बना हुआ मकान को किस तरीके से तोड़ा गया, कितने दिन पहले तोड़ा गया सर? ये करीबन सहमति के तौर कैसे? मैंने कहते मामले को लेके कोर्ट में नहीं गए? कोर्ट में गए हूँ सर, अंडर सब जुडिस है सर, ये हमारी पहली डेट कहते 31 की दी नहीं, 31 को कहते जस्ट सबकी मदर की डेथ हो गई, फिर 11 की डेट पड़ी, 11 को कोर्ट में सब 2 तारीख की डेट पड़ी सर हमारी। सर क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है मैं 1974 से यहाँ बैठा हूँ, 1974 से यहाँ बैठा हूँ, जब मैं आया था इसे बेसमेंट बनी हुई थी, और ये बेसमेंट मैंने अपने आप बनवाई का कोई सहारा नहीं था, मैं सुबह बेटा हो ये फैक्ट्री बनवा दो, समझे, सीमेंट लाया, पानी इधर उधर भाग मांगा, एक फैक्ट्री क्या करा थे। उसके बाद ये मेरी घरवाली मर गई 1983 में मरी है, और इन्होंने पहले मेरी घरवाली एग्री वो वसीयत कराई कि मेरे 5 लड़की मेरे ससुर ने, फिर 1987 मेरी घरवाली मर गई तो उन्होंने बेटी बदल वो वसीयत नाम बदल दिया, वसीयत नाम बदलने के बाद मेरी घरवाली का नाम कर दिया उसमें से, और फिर वो प्रेम कुमार जी के पास केस चला गया, प्रेम कुमार जी ने अवार्ड दिया हमें कि तुम्हारे जो 8 एकड़ का हिस्सा है तो तुम हिंदू कोर्ट लॉ बिल के हिसाब से आप हकदार हो, तुमने हमारा नाम फैसले में लिखा है। अब क्या मामला है, कौन धमकी दे रहा है आपको? धमकी दे रहा आशीष जैन, और जो यहाँ जीसी चला रहा है। आशीष जैन है कौन? सामने फैक्ट्री का मालिक है। उसने क्या कहता है? वो ही कहता है कि खाली करो। क्यों? कि तुम अपना हिस्सा बेच दो, खाली करो। क्या इस तोड़फोड़ से पहले भी आशीष जैन ने जो भी लोग हैं यहाँ पे उन्होंने आके
कि इस प्रॉपर्टी को बेचने की बात की है या ये कहा कि प्रॉपर्टी हम किसी और को दे रहे हैं, आप भी दे दीजिए, ऐसा कुछ कहा है? मां से कोई बात नहीं, मेरे साले का लड़का संजय जैन और मेरे सालू वो क्या नाम है दमंदर जैन वो आया और उसके पदम सिंह के लड़के आए, क्या लगे फूलपति बेच देते हैं, एक हजार हो गई टूटने वाली। आप क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि मुझे हिस्सा दे दिया जाए क्योंकि मैं 54 साल 50 साल से हूँ। मतलब आपको इसी जमीन पे 50 गज चाहिए? यही कह रहे हैं आप कि इसी जमीन पे आपका हिस्सा छोड़ दिया जाए और जिन जिन का उन्होंने हिस्सा लिया है उसके बदले उनको पेमेंट भी दिया, वो आपको नहीं चाहिए? उन्होंने, मैं आपको साफ क्लियर बात बताता हूँ कि उन्होंने हमारे बैंक के थ्रू, उन्होंने अपने बैंक का हमें पता भी नहीं है, 19 लाख कुछ बेच दिए, 19,906,000 रुपये ऐसे भेजे हैं हमने, फिर उनके वापस वकील के थ्रू नोटिस में चेक वापस कर लिया, तो चेक के फिर आशीष जैन ने वो चेक 19 लाख उन्होंने भेजे हैं आपको, चेक भेजे हैं और आपने चेक वापस कर दिया? हाँ, वो चेक वकील के थ्रू भेज दिया, उसने वो इसके बाद भेजा, उसने वो चेक वापस करके दोबारा चेक हमारे पास आ गया। सर ये मैं चाहता हूँ कि ये जो जो कोर्ट न्याय करेगा, जो कोर्ट बोलेगा मेरे को मान्य है वो, मतलब मेरे को जबरदस्ती मेरे को धमकी ना दे, मेरे को ड्राई धमकाना और रात के गुंडा कर दी करके ऐसे मेरे उसको तोड़ा जाए, रात को भी धमकी दे के गया है, हम ना तो इसे छोड़ेंगे ना इसे छोड़ेंगे। पुलिस का क्या रवैया है इस मामले? सर मेरे प्रति तो बिल्कुल, मैं तो यही है कि पुलिस की मिली वगैरह से सारे काम हो रहे हैं, अब इन्होंने चढ़ावा चढ़ा दिया, क्या कर दिया है ये, अपनी बिना उसके तो खैर होता नहीं, मेरे को तो सीधा टॉर्चर किया था पुलिस, मैं जाता हूँ, मैं तो इतना डर बैठ गया, मैं थाने जाता डरता हूँ, 100 नंबर कॉल के में धमकी देगी, 100 नंबर की कॉल आप नहीं करेंगे, मीडिया को आप नहीं बुलाएंगे, तो सर मैं ये मेरे को कितने थाने में बोला गया, ना तो 100 नंबर पे कॉल कर दियो ना वीडियो बुलाइयो और इधर आ जाओ उठा के तेरे को बंद कर देंगे। किसके पास बोला है आपको ये? मेरे को कितने थाने अध्यक्ष ने बोला जी? किसके पास है मेरा सर? मेरे क्या ही है जी, थाना अध्यक्ष का नाम क्या? अशोक बड़ाना जी। जो 7 लोगों ने ये अपने अपने हिस्से बेचे हैं उनको आशीष जैन ने कुछ दिया भी होगा? हाँ बिल्कुल, उनको पेमेंट कर दिए सर, उनको पेमेंट कर दिए। बेचने से पहले आपसे वो जो 7 लोग पार्टनर थे उन्होंने आपसे बातचीत की? सर बात हुई थी सेल की बात हुई थी, तो मेरे शुरू से ही थे आगे मैं सेल नहीं करूँगा, तो उन्होंने कहा था कि मेरे बगैर ये मोटेशन नहीं होगा, क्योंकि जब ये पहले ऐसी थी, मतलब प्रेम कुमार जी का एक अवार्ड है उसमें भी 8.3 का मैं हिस्सा मिल गया था, तो आपका ये बिल्डिंग जर्जर सी हो गई थी काफ़ी, तो बाकी पार्टनर ने बोला कि तू, क्योंकि मेरे बगैर मोटेशन नहीं होती, अगर मैं राजी नहीं होता कि तू राजी हो जाएगा, मोटेशन भी हो जाएगी, मालिक असली मालिक बन जाएगा, पेपर में आ जाएगा और फ्री होल्ड भी हो जाएगी, तो मैंने कहा था मैं अपनी 50 गज जगह मैं नहीं बेचूंगा अपनी में, तो कह रहे ठीक है होने दे, तू को 50 गज जगह ये आशीष जैन को देंगे या आपको 50 गज जगह आपको दे देंगे, लेकिन अब बाद में बोले कि कहते सेल डेट भी हुई सब कुछ, ये कानूनी कार्रवाई तो सारी हुई थी, क्या तुमने सेल डेट में साइन कर रखे हैं और कागज साइन कर, फोटोल्टी उन्होंने मेरे साइन कराएंगे कि जैसे लाइन होती है धन साइन करता रहे, तो कुछ कागज बताते हैं साइन, लेकिन मैंने अपने समझ में कभी ऐसे उल्टे सीधे साइन नहीं किए। और आपकी प्रॉपर्टी पे साइन मिले तो फिर आप क्या करेंगे? मैंने कभी अपनी मैंने किसी को कहते कोई एनओसी नहीं दिया और ना मैंने किसी को स्पेल पावर टोन नहीं दिया, ऐसा बोलते हैं, मैं ये सेल डेट पे जुड़ हुआ था कि भाई अंत में तेरे को 50 गज जगह तेरे को दे दी जाएगी, कि अब तू कहते नोट ये टोटल सेल जो है वैसे तो इसकी कीमत बहुत ज़्यादा है, 2-3 लाख रुपये गज भी लगाएंगे तो उसकी कीमत 12 करोड़ या 18 करोड़ उनकी हो जाए, 6 करोड़ 25 लाख का इन्होंने सौदा किया जी सामने वालों ने, 600 गज जमीन का 6 करोड़ 25 लाख का सौदा किया। पुलिस का रवैया आपके प्रति ठीक नहीं है, आपने कोर्ट में अपनी गुहार लगाई, क्या लगता है कि आपको इंसाफ मिलेगा? कोर्ट में मैंने गुहार लगाई थी जी, कहते कि मेरे साथ तो जी तोड़फोड़ की है, मेरे से मारपीट की जा रही है, मेरे को स्टे दिया जाए, तो उन्होंने कहते ये बोला था कि अभी दूसरी पार्टी को नोटिस कर रहे हैं उनकी भी जरा सुन लें।